मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे हाइंड ब्रेन के फंक्शंस। जब अपन एनाटॉमी देख ली थी इसकी, ठीक है, आज इसके फंक्शंस के बारे में। तो हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पॉन्स, मेडुला और सेरेब्रम। ठीक है, हाइंड ब्रेन मतलब ब्रेन का सबसे नीचे वाला भाग। उसके तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेब्रम। तो उन तीनों की क्या क्या काम है वो आज अपन देखते हैं। सबसे पहले पॉन्स की बात करते हैं। पॉन्स क्या करता है? ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसके द्वारा एक निमोटॉक्सिक सेंटर पाया जाता है, हार्मोन सेंटर्स होता है, ठीक है, वो इस जगह पाया जाता है। तो ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, इतना समझो ब्रीथिंग को, ठीक है। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा कौन सा? पॉन्स के जस्ट नीचे का, जो फिर आगे आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है, जैसा कि दिल का धड़कना, हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट वगैरह। दूसरा कह सकते हैं जैसे डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है अपनी बॉडी के अंदर, जो पाचन क्रिया होती है वो अपने हाथ में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा ग्लैंड्स से हॉर्मोन का सिक्रेशंस वगैरह, या रिफ्लेक्सेस जैसे खांसी आना, ठीक है, और छींक वगैरह आना, स्नीजिंग वगैरह, ये अपना हाथ में कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करेगा? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटी जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे इनवॉलेंट्री मसल्स पढ़ा था अपन ने, इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल जिसको अपन इच्छा अनुसार हिला नहीं सकते, अपने कंट्रोल में नहीं होती है, जिसको अपन मूवमेंट नहीं करवा सकते। तो ऐसी एक्टिविटी जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा करवाता है, उसके अंदर में कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट जो अपने अंदर कंट्रोल में होता है बॉडी के। कैसे? जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ, ठीक है, या मैं झुकूँगा, दौड़ूंगा, ये सब चीज़ें जो होती है बॉडी का पॉस्चर मेंटेन रखना, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सब जो है मैं सेरेबेलम के कंट्रोल में होगा, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, पॉन्स के कंट्रोल में क्या होगा? ब्रीथिंग करेगा, ये ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है निमोटॉक्सिक सेंटर के द्वारा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे हार्ट रेट है, मेटाबॉलिज्म है, कोई भी सिक्रीशंस है, रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस मतलब कफिंग वगैरह, जो खांसी वगैरह होती है ना, छींक वगैरह आना, का ठीक है ओके आना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी वॉलेंट्री अपनी इच्छा अनुसार जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये तीनों के फंक्शन होंगे पॉन्स के, मेडुला ऑब्लोंगाटा के और सेरेबेलम के, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ब्रेन पूरा हो चुका है इसके अंदर अभी। ठीक है, तो ये हो अपना ब्रेन। तो नर्वस सिस्टम में अपन ने दो चीज़ें से बन के बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर और कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है? नर्व्स आती है, जो बॉडी से जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकलेगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती है?
किसके अंदर आती है? सेरेब्रम और डाइएंसिफेलॉन। ठीक है, सेरेब्रम और डाइएंसिफेलॉन। जबकि मिड ब्रेन के अंदर कौन सी संरचना आती है, उसके आपको नाम याद रखना है, पार्ट नहीं होते, सिर्फ मिड ब्रेन के अंदर वही चीजें होगी जो आगे की तरफ क्या होते हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं, मैंने बताया था आपको ये ऐसी संरचना होती है इसके अंदर। तो आगे की तरफ तो दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं, पीछे की तरफ ऑप्टिक लोब्स होते हैं चार, और इसको क्या बोलते हैं, इंटर या सेरेब्रल एक्विटक। ठीक है, ये ऐसी संरचना होती है मिडल ब्रेन की। उसके बाद अपन ने बात की हाइंड ब्रेन की, तो उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं आती है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा और सेरेबेलम, ये तीन संरचनाएं इसके अंदर आती है और दो संरचनाएं इसके अंदर आती है। इतना अपन ने पढ़ लिया है। अब आज थोड़ा सा अपन लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इतना हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो थोड़ा सा मैं रिवीजन ले लेता हूँ उसका वापस। ठीक है, नर्वस सिस्टम, फिर क्योंकि आगे जैसे जैसे डिटेल में चलेंगे वो कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से थोड़ा सा रिपीट ले लेता हूँ वापस मैं इसको। नर्वस सिस्टम क्या होगा कि ऐसा सिस्टम जो बाकी वाले बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसके द्वारा, नर्व के द्वारा। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो अपन ने पढ़ लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों सिस्टम जो है बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, बाकी बॉडी को सिस्टम जो होता है ना, बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। बाकी बॉडी सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखते हैं, कौन कौन से, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन के अंदर अपन ने ऐसे में ग्लैंड को पढ़ लिया जो किसके द्वारा करती है, हॉर्मोन के द्वारा, जबकि नर्वस सिस्टम जो बाकी वाले बॉडी सिस्टम को किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, नर्व के द्वारा, नर्व होती है। ठीक है, फिर नर्व किससे मिलकर बनी होती है, नर्व सेल से। ठीक है, नर्व सेल से जो अपन ने संरचना देख ली है, इनर सेल की संरचना अपन ने देख ली। ठीक है, यह है नर्व सेल। नर्वस सिस्टम के अंदर जो नॉर्मली कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, चार टाइप के। ठीक है, एक तो नर्व सेल हो गया, दूसरे न्यूरोग्लियन या गैंग्लिया सेल जिसके अंदर तीन सेल्स आते हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियोसाइट्स, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट, ये तीनों हो गए। ठीक है, अब इसको अपन ने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया। नर्व सेल क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज निकल रहा है, जो संदेश निकल रहा है, उसको सभी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, नर्व सेल। बहुत सारा गुच्छा होता है इनका मिलके, फिर एक नर्व बना देते हैं, एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन मिलेंगे। ठीक है, और एक नर्व बना देंगे, वो नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और पर्टिकुलर सभी ऑर्गन तक पहुँचती है और वो मैसेज पहुँचाती है। ठीक है, अब दूसरा काम इन सेल्स का क्या होता है, ये एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियोसाइट्स, ये नर्व सेल को कंट्रोल करती है। मान मत कंट्रोल कैसे, कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि कोई न्यूट्रिशन है या उसको सेफ्टी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जो है जिम्मेदारी ये सेल्स लेते हैं। ठीक है, नर्व सेल का काम तो सिर्फ यही होता है संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, ठीक है, और वापस वहीं से लेके आना, ये इसका काम होता है नर्व सेल का। ठीक है, फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा कि संरचना देखिए नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम जो है दो भागों में विभाजित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन ने ब्रेन देखा, ठीक है, ब्रेन की संरचना होगी, ये सबसे बाहर वाली संरचना जो होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे पहला वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे अपन, ये होता है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन के पार्ट मैंने बताए थे आपको कौन कौन से, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, इन्फर्टिकुलम के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। फिर डाइएन्सेफेलॉन के बाद पार्ट आता है मिडब्रेन का, जो बीच में आता है मिडब्रेन यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, और या पीछे का पार्ट हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम ये पार्ट होता है, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ लिया है, अब कल जो है अपन पढ़ेंगे, कल जो है अपन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो है अंदर की संरचनाओं के बारे में अपन जानेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन अंदर से कैसे बना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर कल लिखाऊंगा उसके बारे में, कि जो ब्रेन है ना अंदर से पूरा खोखला होता है, ये मैं सीधा बना रहा हूँ उसकी वजह से, ये सेरेब्रम नीचे की तरफ, ये डाइएन्सेफेलॉन हो जाएगा, डाइएन्सेफेलॉन के बाद ये मिड ब्रेन के अंदर तो सिर्फ एक छेद, बीच में सिर्फ एक छेद होता है, फिर उसके बाद आता है क्या कॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऐसे करके, तो इंटरनली जो है ब्रेन पूरा खाली होता है ऐसे, ये डिश होंगे यहाँ पे, नर्व सेल्स होगी और अंदर की तरफ खाली होता है, अंदर से जो है सब चलता रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ जो है सीएसएफ रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है अंदर की तरफ। फिर इसके बाहर की बात करते हैं, तो बाहर भी इसके सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। मैं और बताऊं आपको कल डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर को, इतना समझो कि इंटरनली जो है जो ब्रेन्स होता है ना अंदर की तरफ लगभग सभी जो है वो खाली होता है, खोखला होता है, उसके अंदर सीएसएफ भरा होता है। अब कौन कौन सी जगहों पे कितने जो है खाली जगह होगी, कितनी कैविटीज होगी, जिसको अपन वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, कितने वेंट्रिकल्स कहाँ पे पाए जाएंगे, कहाँ पे सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है, इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।